दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम करण है और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल जो आता है वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में, हमारे घर से मिनिमम 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में। और हम जा रहे हैं बाइक से। बाकी आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ कृष्ण भगवान जी का। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आगे। फ्रेश होने के बाद हम फिर घर से निकल जाते हैं। पुल पे जाते ही हम पीयूष का वेट करने लगते हैं। पीयूष का वेट करते करते पीयूष तो नहीं आता है, बट ये आ जाती है। इससे भी पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। कुछ देर होते ही ये भी अपने घर चल जाती है। इसके जाते ही पीयूष भी पहुँच जाता है। फिर हम चल देते हैं मंदिर की ओर। फिलहाल हम लोग गाड़ी को पार्क करने के बाद मंदिर पहुंच जाते हैं। अभी शाम का समय है और शाम के समय का व्यू देख सकते हो कि कितना बेस्ट लग रही है देखने में, क्योंकि हम लोग जो दोपहर में आने वाले थे या दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी था, इसीलिए हम लोग शाम में आए हैं। शाम का जो मौसम है बहुत ही बेस्ट किया गया है और धीरे धीरे अभी लाइट बढ़ेगी तो और भी बेस्ट लगेगा देखने में इस सामने का व्यू। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। उससे पहले हम लोग जूता चप्पल को खोल लेते हैं बाहर, उसके बाद फिर हम चल देते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा शांति, ऐसा नेचर इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा। इसके बाद अब हम जाएंगे कृष्ण भगवान जी का दर्शन लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम और पीयूष मंदिर के पास बैठे हुए हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आरती स्टार्ट होने में टाइम है। तो हम चलते हैं बाहर थोड़ा शूट करने के लिए। बाहर निकलते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कूल लिखा हुआ है। यहाँ नृत्य होता है, प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप स्टेज की तरह बना हुआ है। यहाँ फीस रखा हुआ देखा, बहुत तरह का फीस है, 3-4 प्रकार की। मिष्ठान का दुकान है, मिष्टी का दुकान है। अब यहाँ से हम उधर चलेंगे, देख सकते हो क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैंटीन इस तरह एक प्रकार का ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। ये स्ट्रक्चर है, कितने प्रकार का देख सकते हो, सब बनाया गया है। इस बार बहुत अच्छा बना हुआ, क्योंकि बताऊं तो मैं ये 2 बार ही आया हूँ इसमें। फर्स्ट बार आया था तो उतना अच्छा नहीं था फैसिलिटी, बट इस बार बहुत बढ़िया है। और ऊपर रहने के लिए ये लाइब्रेरी है, आप देख सकते हो बहुत तरह का बुक रखा गया है पढ़ने के लिए। मंदिर के सामने एक दुकान है जिसमें पूजा करने के लिए बहुत सारा का सारा सामान मिलता है, बट यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो हम लोग छुप छुप के वीडियो बनाए हैं। आप देख सकते हो सारा सामान यहाँ पर भरा हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है मंदिर के अंदर, क्योंकि अभी आरती स्टार्ट होने वाला है 6 बजे, ठीक है। तो लाइटिंग देख सकते हो कितना बेस्ट किया गया है। सब धीरे धीरे लाइट और भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि थोड़ा अंधेरा होगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा अच्छा देखने में। और बगल में पीयूष भी है और मनी खड़ा हुआ है, अब देख सकते हो। चलो मैं उनसे मिलाता हूँ सबसे पहले आपको, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर मंदिर के अंदर। वहाँ पर आरती होगा, क्योंकि आरती देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सबसे पहले आप इसको देखो, अभी अंदर जाएंगे हम लोग आरती देखने के लिए। मंदिर के अंदर आरती स्टार्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। हम दिखाते हैं आपको, चलिए धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है, आरती स्टार्ट हो चुका है।
शर्मा के लिए, मतलब घूमने के लिए। ये देख सकते हो, यह महाभारत का पोस्टर ही है, कृष्ण भगवान का फोटो। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, उसके बाद आरती भी स्टार्ट हो जाती है। आरती स्टार्ट होने से पहले कृष्ण भगवान के सामने पर्दा लगा दिया जाता है। आरती खत्म होने के बाद फिर पर्दा हटा दिया जाता है। ये प्रसादी का लाइन है, आप देख सकते हो कितना बड़ा लाइन है। प्रसादी लेकर हम भी अब निकलेंगे घर की ओर, बट इससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग प्रसादी लेकर बाहर आ चुके हैं, देख सकते हो आप, बहुत सारे लोग प्रसादी लेकर बाहर आ चुके हैं, बाहर खा रहे हैं। ये पीयूष है, मेरा प्रसादी यहाँ रखा हुआ है, अभी हम भी खाएंगे। छोटा सा गार्डन है जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं। देख सकते हो कितना अच्छा है। फिलहाल तो हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका है, आरती भी खत्म हो चुकी है, प्रसादी हम लोग खा चुके हैं, और अब यहाँ से निकले हैं घर की ओर। मस्ता है भाई, मस्त लगा पूजा? पूजा बहुत अच्छा गया, मन को शांति मिला पूजा करके, और टीका भी बहुत अच्छा मिला है। अरे चीज हमने शॉपिंग भी की, जो टीका लगाने वाला है सब टीका लगाया था। शॉपिंग भी हो चुका है। बाकी बता दूँ तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर दो ही बार आया हूँ अभी तक, भाई पता नहीं कितना बार आ चुका है। हम पाँच बार हुआ है, हम दो ही बार आए हैं ये लगा के। बाकी पहले जब आए थे हम लोग तो उस समय उतना फेस मतलब देखने में उतना ही खास नहीं था, बट अभी क्या है बहुत अच्छा बना चुका है। अगर आपको यहाँ विजिट करना है घूमने के लिए इस्कॉन टेम्पल के लिए, तो बहुत बेस्ट जगह घूमने के लिए और बहुत अच्छा शांति जगह है। अगर आपको विजिट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का जो एड्रेस है मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से देख के आ सकते हो। बाकी अब हम लोग यहाँ से निकले हैं घर की ओर। मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हम चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, चाय पीने के बाद फिर हम चल देते हैं घर की ओर। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों।